विपुला चल के गगन को वंदु बारंबार, सन्मति प्रभु की दिव्य ध्वनि जहां हुई साकार। महावीर प्रभु दीक्षा लेने के बाद मौन हो गए, तप को और संयम को धारण करते हुए परिचय और उपसर्गों को जीतकर देश देश में भ्रमण किया। 12 वर्ष तक तपस्या करके ऋजुकुला सरी तट पर आए, वहां शपक श्रेणी चढ़कर शुकल ध्यान द्वारा प्रभु ने 4 कर्मों का घात किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। इंद्र को समव शरण रचकर खुशी हुई। 12 सभा जुड़ती है, सबके मन को आनंद होता है, परंतु जनमानस को दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलता। 66 दिन हो गए, परंतु दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। जब इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और जाना कि यहाँ तो गंधर की कमी है, अरे अब समझ में आया कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही। जब गंधर ही नहीं है तो दिव्य ध्वनि कैसे गिरी, परंतु उसको यहाँ पर कैसे लाया जाए, क्या दिया जाए कि वो यहाँ पर आ जाए। वह तो अपने को बहुत बड़ा संत मानता है, वह मेरी बात क्यों मानेगा, क्या कहूँ कैसे करूँ कि वो यहाँ पर आ जाए। समझ में आया, ऐसा ही करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इंद्र को इंद्र ने जब अपना अवधि ज्ञान लगाया तो उसको पता चला कि यहाँ तो गंधर की कमी है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे घिरेगी। तो अब उसको समझ में आया, देखते हैं उसको क्या समझ में आया, क्या करता है जो भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है। अब इंद्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गौतम के घर प्रस्थान किया। गौतम स्वामी की जय हो, गौतम स्वामी की जय हो। कौन है स्वामी? आपसे मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार कीजिए, हम आपसे कुछ जानने के लिए आए हैं। बोलिए सेवक, आप क्या कार्य है, आप क्या जानना चाहते हैं? हम तो सब कुछ जानते हैं, सबका समाधान किया है, हम तो सर्वज्ञ हैं। बताइए आपको क्या जानने की जिज्ञासा है, हम आपका भी विषय से समाधान करेंगे। महाराज, आपसे मेरा एक निवेदन यह है कि जो मेरे गुरु हैं वे श्लोक सुनाकर मौन हो गए, वे उसका अर्थ और भाव वे नहीं बता पा रहे हैं। वही ढूंढने मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे इसका अर्थ बता दीजिए और मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए महाराज। बस इतना सा प्रश्न, वह कौन सा श्लोक है जिसका वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं? मैं करूँगा, बताओ बताओ कौन सा प्रश्न है। इन्होंने ये देखकर कि एक प्रश्न छोटा था वो आपके गुरु नहीं बता पाए, मैं बताऊंगा, अब देखते हैं ये कौन सा प्रश्न बताते हैं, क्या ये उसका समाधान कर पाते हैं। महाराज बताता हूँ, 3 काल, 6 द्रव्य, 6 श्लेष्य क्या, 9 पदार्थ, 85 गति, समिति व चरित्र क्या, यही मेरा प्रश्न है, इसे समाधान कीजिए। इंद्रभूति गौतम यह श्लोक सुनकर तो उनको चक्कर आ गए। उन्होंने मन में सोचा, यह क्या कहा, यह कैसा प्रश्न है, यह कहाँ लिखा है, अर्थात यह मुझे क्यों नहीं आता। अरे मैं तो सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, परंतु इसके प्रश्न का उत्तर मुझे क्यों नहीं आता, यह तो बड़ी विकट समस्या हो गई। ऐसा करता हूँ, कुछ भी बता देता हूँ, इससे मेरा सर्वज्ञ बना तो बना रहेगा, परंतु झूठ बोलना सही नहीं है, क्योंकि कल जब लोगों को पता चलेगा कि
कि मैंने झूठ बोला था तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा और मेरे ख्वाब भी झूठ बोलने के नहीं हो रहे हैं। मेरा हृदय भी झूठ बोलने को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। यह तो गौतम के सामने बड़ी समस्या आ गई। गौतम सोचने लगा झूठ बोल दूं, परंतु उसका हृदय स्वीकार ही नहीं कर रहा था। सर्वज्ञ मानता था गौतम अपने को, परंतु उसे नहीं पता था सर्वज्ञ कहते किसे है। इस बात को वह नहीं जानता था, परंतु जिसकी होनहार भली होती है उसको झूठ बोलने के भाव स्वयं ही नहीं आते। उसकी होनहार ही उसको सीधे मार्ग पर ले जाती है। अरे मैं तो सर्वज्ञ हूँ, पर आज इसके प्रश्न में क्या क्या 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 लेशिया आखिर ये है क्या? आज तक सब कुछ जाना, परंतु जो ये पूछ रहा है वो तो पढ़ा भी नहीं। चलो आज इसके गुरु के पास चलकर ही पूछते हैं, हम भी तो देखें वो गुरु है कौन जिसने ये श्लोक सुनाया है। आज उससे ही शास्त्रार्थ करते हैं और उस पर भी जीत करते हैं। हेलो, देखा आपने, जब इन्होंने प्रश्न सुना तो ये झूठा अर्थ भी बता सकते थे, परंतु जिसकी होनार भली होती है उसको झूठा अर्थ बताने के भाव नहीं आते। अगर ये चाहते तो मान कषाय के वशीभूत होकर कुछ भी बता देते, परंतु इसकी भली होनार थी और भली होनहारी जीव को सही मार्ग पर ले जाती है। अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है। अभी चले और चल कर मेरी समस्या का समाधान करे। स्वामी आपकी जय हो। स्वामी आपका अनंत उपकार है जो आपने मेरे साथ चलकर अभिशंका का समाधान करने का निर्णय लिया है। चलो। गौतम स्वामी अपने दोनों भाई अग्निभूति और वायुभूति के साथ और अपने अनेक शिष्यों के साथ चलती है। अब देखते हैं वहां पर जाकर क्या होता है, जीत किसकी होती है। स्तंभ को देखते ही गौतम स्वामी का अभिमान चूर चूर हो गया। मानव स्तंभ को देखते ही गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। जय हो, जैन धर्म की जय। बोलो जैन धर्म की जय हो। समोशरण की सीमा में जाते ही गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत सम्यक चारित्र ग्रहण किया, अर्थात मुनि दीक्षा लेकर गणधर का पद पाया और उन्हें अष्टविद्या प्रकट हो गई और तुरंत दिव्य ध्वनि गिरने लगी। ओ
स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है, हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। विश्व में छह द्रव है, सब अलग अलग है, सब जीवों को अपनी अपनी सत्ता स्वीकार करनी चाहिए, अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करना चाहिए। किसी में जीव का हित है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रत गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ शावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। हे जीव, वर्तमान में मनुष्य जीवन मिलना और उसमें भी जैन कुल का मिलना दुर्लभ से भी दुर्लभ है, इसलिए हे आत्मन अब समय व्यर्थ नहीं करो, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। अब तो मोक्ष मार्ग में लगकर समय को सार्थक करो, अर्थात सुखी हो। हे प्रभु, तत् कितने होते हैं और कौन कौन से? ओम। हे जीव, तत्व सात होते हैं, जीव अजीव आश्रव बन संवर निजरा और मोक्ष। ओम। हे प्रभु, द्रव्य कितने होते हैं और कौन कौन से? हे जीव, द्रव छह होते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। हे प्रभु, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है, क्योंकि इसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। अगर यह जीव एक बार मिथ्यात को छोड़ दे तो गारंटी है जितने भी पाप है सब छूट जाएंगे। देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। हे प्रभु, तेज गति का भाव कैसे होता है? हे जीव, जब यह जीव मायाचारी के परिणाम करता है, अर्थात मायाचारी करता है, जब यह जीव तिर्यंश गति में जाता है। अगर तुझे तिर्यंश गति से छूटना है तो मायाचारी नहीं कर, तो इस जीव का तिर्यंश गति से अभाव हो जाएगा। हे प्रभु, कषाय कितनी होती है और कौन कौन सी? कषाय चार होती है, क्रोध
माया और लोभ। हे प्रभु, मंदिर जाने से क्या लाभ है? हे जीव, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे कषाय की मंदता होती है, अर्थात परिणामों में विशुद्धता आती है और जो हमने गलती करी है उसका प्रायश्चित करने का भाव आता है। और जब कषाय की मंदता आती है तभी यह जीव सुख के मार्ग पर चल सकता है, अर्थात सुखी हो सकता है। ओ हे प्रभु, जैन धर्म का क्या सिद्धांत है? हे जीव, जैन धर्म का एक ही सिद्धांत है। क्या? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन नहीं होता। यह जीव अगर पर वस्तु को परिणमाने का भाव करता है तभी दुखी होता है। दिव्य ध्वनि सुनकर गौतम घंटर को अति आनंद हुआ और उन्होंने द्वादशांग वाणी अंतर मुहूर्त में रच डाली। ये द्वादशांग वाणी उन्होंने रची है जो आज हमें सुनने को मिल रही है। अगर वो रचना नहीं करते तो आज जो हमें जिनवाणी माँ सुनने को मिल रही है वो नहीं मिलती। एक बार ताली बजा दीजिए उन्होंने हमारे लिए। अगर हमको आज जिनवाणी माँ का व्याख्यान सुनने को मिल रहा है तो ये गौतम गंडरी थे जो उन्होंने जिनवाणी माँ की रचना करी थी और अंतर मुहूर्त में रच डाली। दोनों भाइयों ने और अनेक शिष्यों ने यह देखकर जिन दीक्षा ले ली और मिथ्यात्व का त्याग किया और दोनों भाइयों ने भी गंधर का पद पाया। मेघ गर्जना के समान जिनवानी माँ का प्रभाव बहने लगा, सब पाप पुण्य नष्ट हो गए, एक मोक्ष की राह चल पड़ी। समो शरण की रचना होने पर भी तत्काल उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के पश्चात समो शरण की रचना होने पर भी तत्काल उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन के पश्चात उनकी दिव्य ध्वनि खिली। यह इस युग की आश्चर्यजनक और अद्भुत घटना थी। वह मंगल दिवस था, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकम।
लाल लब्धी निकट होती है उसको ही ऐसी बात सुनने को मिलती है, हर किसी को ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती। तो इसका मतलब तो ये है अब मेरी काल लब्धि निकट आ गई है, अब मैं संसार में नहीं फंसूंगा, अब मैं संसार में नहीं रुलूंगा। बोलो वीर शासन जयंती की जय, जैन धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, गौतम गणधर की जय हो, जय जिनवानी माता की जय हो। तो ये हमारा वीर शासन जयंती का प्रोग्राम था जो छोटे छोटे बच्चों ने ये दिखाया कि हम वीर शासन जयंती क्यों बनाते हैं, हमारा क्या महत्व है वीर शासन जयंती बनाने का। ये हमारा जो पर्व है दीपावली से भी बड़ा पर्व है, दीपावली से भी बड़ा पर्व है। अगर ये नहीं होता तो आज हमें कौन सुनाता, कौन हमें सुख का मार्ग बताता। हे माँ धन्य हो माँ जो आज आपने हमें ये बात बता दी, इसका मतलब ये है अब हमारी होनहार भली है। तो अब मैं अन्याय के मार्ग पर ना चलकर न्याय के मार्ग पर चलूंगा, अर्थात जैन धर्म की बात को स्वीकार करूंगा। यही नाटक को देखने का और कहने का और दिखाने का अभिप्राय है, अन्यथा कुछ नहीं। जय हो जैन धर्म की जय हो।